स्कूटर से बांटते थे बुक, बनाया इंडिया का पहला सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज की हमारी कहानी के हीरो है फ्लिपकार्ट के को फाउंडर मिस्टर सचिन बंसल। अमेजोन में काम करते हुए सचिन को खुद की ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया। फिर सचिन ने 2 साल बाद अमेजोन की जॉब छोड़ के 5 सितंबर 2007 को अपने दोस्त पिनी बंसल के साथ फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। फ्लिपकार्ट के पहले भी इंडिया में कुछ ई कॉमर्स कंपनीज थी, पर वो कुछ बड़ा नहीं कर पा रही। सचिन और बिनी ने जब उन पे स्टडी किया तो उनको समझ आया कि इंडिया में उस समय लोग किसी भी चीज़ को देख के, उसे फील करके, टच करके खरीदना पसंद करते थे, और प्रोडक्ट मिलने से पहले लोग पैसे नहीं देना चाहते, और इसी वजह से बाकी ई कॉमर्स कंपनी फेल हो रही। पर क्योंकि इन्होंने कंज्यूमर को समझा था, तो फ्लिपकार्ट ने इंडिया में फर्स्ट टाइम कैश ऑन डिलीवरी को शुरू किया। स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट एक बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म था। सचिन खुद बुक शॉप पर खड़े रह के पैम्पलेट्स बांटते थे और अपने स्कूटर से उन किताबों की डिलीवरी करते थे। और ऐसे ही मेहनत करके 2008-09 में इन्होंने 4 करोड़ की सेल। धीरे धीरे इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐड किए और 2014 में फ्लिपकार्ट ने 2000 करोड़ में मिंत्रा को भी खरीदा। 2018 में बंसल ने वॉलमार्ट के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज साइन करके फ्लिपकार्ट से एग्जिट ले लिया। 2015 फोर्ब्स में इंडिया 86 रिचेस्ट पर्सन, 2016 में वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल और 2017 में इनका नाम इंडिया के 50 मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट में शामिल था।